ये लोग बोल रहे हैं कि मैंने उसको झूठ बोल रहे हैं सर। मैं देख मुझे पता नहीं सर मैंने कब नहीं अभिजीत तुम अंदर नहीं जा सकते। तुमने दया की जान ले ली है तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूं। सर जिसका खून हुआ है उसका नाम डीके है, एक प्राइवेट डिटेक्टिव। उसके मेट ने लाश देखी सुबह। चेहरे के तो चिथड़े उड़ गए हैं, लगता है पॉइंट ब्लैंक रेंज से एक से ज्यादा गोलियां मारी है इसे। सर, इस कमरे का सामान अपनी जगह पे है, बिखरा हुआ नहीं है। ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ पे हाथापाई हुई है। अब सर सर ये कबर्ड और सेफ तो खुला हुआ है और सब सामान अपनी जगह पे भी है। ऐसा लग रहा है कि इसको किसी ने हाथ ही नहीं लगाया। सर पैसे और जेवर ऐसे के ऐसे ही, लगता है खूनी को जो चाहिए था शायद वो वही लेकर गए। सर गोली तीन गोलियां चली है दया। सर आप रेडी? सर ये खिड़की के कांच निकाले हुए
मतलब खुनी यहीं से अंदर घुसा है। काम करो फ्रेडी, फिंगरप्रिंट उठा। डीके का मोबाइल फोन सर, बनने से पहले डीके ने 3 बार किसी संजय को कॉल किया। संजय? किसी संजय को जान किया? नहीं साहब। रात 1 बजे से 2:30 बजे के बीच में 3 बार। संजय की डिटेल निकालो सर। हाँ। और हाँ दया, ये अभिजीत कहाँ रह गया? तुमने उसे फोन करके कहा था ना यहाँ आने के लिए क्राइम सीन पर? हाँ सर, बताया था, शायद कहीं ट्रैफिक में फंस गया होगा। ट्रैफिक में? फोन करो उसे, कहो इसी वक्त आ जाए यहाँ पर। सर हाँ। क्या बोल रहे हैं अभिजीत, कहाँ है वो? सर वो तबीयत थोड़ी खराब है उसकी, वो डॉक्टर के पास जाएगा और शायद वहां से सीधे ब्यूरो पहुंचेगा। कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ भी नहीं आता, ये अभिजीत दिल्ली से आने के बाद कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहा है। तुमको मेरी मदद की जरूरत है। तुमको है? अरे भाई तुम तो खुद एक सीआईडी ऑफिसर हो। हाँ लेकिन ये काम मैं खुद नहीं कर सकता। चलो ठीक है, कर देंगे मदद। तू भी क्या याद रखेगा, चल चाय भाई तो पी। नहीं यार वो मैं ठीक हूँ भाई। देख चेतन, ये काम जो है ना, इसके बारे में किसी को खबर नहीं होनी चाहिए, खासतौर पे मेरी टीम को। कैसी बात कर रहा है यार, इतने दिन की दोस्ती है अपने, इतना भी भरोसा नहीं है? बता काम क्या है? किसी का पीछा करना है, नजर रखनी है उस पे, और इस काम के मैं तुझे पैसे भी दूंगा। क्या बात कर रहा है यार, दोस्ती में पैसा? चल ठीक है, तेरा इच्छा है तो दे देना पैसा। वैसे पीछा किसका करना है? अभिजीत, लगता है तूने गलती से गलत फोटो दे दिया। कोई गलत फोटो नहीं है, तुझे इसी का पीछा करना है। ये कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या करता है, सब कुछ रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। और प्लीज कोई सवाल मत पूछ, जितना कहा उतना कर बस। ओके ओके। या तो अभिजीत पागल हो गया है, या बहुत बड़ा कोई गेम चल रहा है।
क्या डीके का खून हो गया? मरने से पहले डीके ने आखिरी बार फोन पे आपसे बात की थी आधी रात को, क्या बात क्या हुई थी आपकी? वो मेरे कहने पर किसी पर जासूसी कर रहा था, कुछ सबूत मिला उसे, इसलिए उसने फोन किया था मुझे। जासूसी क्यों? मेरी बॉस मंदिरा जी के लिए। मंदिरा? कुमार ज्वेलर्स की मालकिन, मशहूर PH3 सेलिब्रिटी। उस दिल्ली वाले केस के बारे में तो आप सबने सुना ही। ओ हो, मंदिरा कुमार, मंदिरा जी। उन पर तो उनके पति, सास ससुर और केयरटेकर्स को मारने का इल्जाम था, है ना? जी। मगर सबूत न मिलने पर कोर्ट ने मंदिरा जी को बरी कर दिया। और उसके कुछ ही दिनों बाद मंदिरा जी के पर्सनल असिस्टेंट इशाना, उसने भी आत्महत्या कर ली। आज भी लेट हो गई ना, जल्दी जाओ, संजय सर तुम्हारा वेट कर रहे कब से। ओह गॉड, संजय सर इतनी जल्दी क्यों आ गए? आ भी गए और बहुत गुस्से में। ओह गॉड, तू मेरा बैग संभाल, मैं आती हूं। मैं कम सर। कम इन। बाकी लोग भी इसी ट्रैफिक में आते हैं ना? हाँ बोलो कुमार। नहीं नहीं, 30th दिसंबर के पहले कुछ नहीं हो सकता है। अरे तुम जानते हो यार, 30 दिसंबर को मंदिरा मैम का इवेंट है मुंबई में, उसके पहले जो कुछ भी होगा उसके बाद होगा। हाँ हाँ, वहां बाहर क्या देख रही हो? मेरे ही कैबिन की खिड़की से कूदकर आत्महत्या की थी। आत्महत्या क्यों की थी वो किसी को पता नहीं। वैसे मंदिरा जी ने डीके को किस पर जासूसी करने के लिए काम पे लगाया था? उनकी जान को खतरा है, डीके वही पता लगाने की कोशिश कर रहा था। जान को खतरा किससे? दरअसल कोर्ट से बरी होने के बाद कोई मैम को धमकियां दे रहा था। ये धमकियां फोन पर ही? जी हाँ, फोन पे भी, अनजान नंबरों से और टाइप्ड किए गए चिट्ठियों से भी। मैम दोबारा पुलिस के चक्करों में पड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए डीके को हायर किया था उन्होंने। तो कुछ पता चला डीके को? उसके हाथ कुछ सबूत तो लगा था जो उसने एक पेन ड्राइव में सेव करके रखा था। वो पेन ड्राइव वो मुझे देना चाहता था, इसलिए दिल्ली से मुंबई आया था मैं। तो डीके के घर में उसका लॉकर खुला हुआ था, तो कहीं उस लॉकर से ये पेन ड्राइव चोरी तो नहीं हुआ था? हो सकता है दया। उसके घर में हमें एक लैपटॉप भी मिला था, शायद उसे कुछ पता चल जाए। संजय से मिलने आए थे, आप दोनों कौन है?
सर ये कायरा है, मिस्टर कुमार, मेरा मतलब मंदिरा मैम की बेटी। और ये मैम के बहनों ही हैं, मिस्टर सबीर। हम मंदिरा जी और उनके पूरे परिवार से कब मिल सकते हैं, क्योंकि उनकी जान की हिफाजत अब हमारी जिम्मेदारी है। इनफैक्ट मंदिरा मैम, कायरा के चचेरे भाई शिखर और उनकी पत्नी अमारा सब आज रात को ही आ रहे हैं। 30 दिसंबर को कुमार ज्वेलर्स का एनुअल चैरिटी इवेंट है, उसमें शामिल होने के लिए। तो ठीक है, कल सुबह सुबह ही मिलते हैं। ये सब क्या है, और सीआईडी हमारे पर्सनल मामले में दखल क्यों दे रही है? हेलो सर, अब तबीयत कैसी है आपकी? मर्डर इन्वेस्टिगेशन है सर, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर डीके की, घर ही में मौत हुई है सर। ये पूरी केस फाइल है। सर ये तस्वीरें उसके घर की हैं, घर की तस्वीर है, उसी के घर की तस्वीर है, और यहीं पे इसका मर्डर हुआ है ना? बराबर यहीं पे मर्डर हुआ है इसका। पंकज ये क्या पूछ रहे हमसे, हमने अभी अभी तो यही बताया। वही तो सर, लग रहा है अभी भी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ लग रहा है सर। अभिजीत, गुड मॉर्निंग सर। क्या चल क्या रहा है तुम्हारा, कहाँ गायब हो गए थे? अरे अभिजीत, तुम्हारी तबीयत खराब थी ना, तो डॉक्टर के पास जाना था, यहाँ क्यों? हाँ वो, हाँ सर वो कुछ दिनों से थोड़ी थोड़ी गड़बड़ चल रही है सर, पर अब ठीक है, आई एम बेटर नाउ। या गड़बड़ चल रही थी सर। डीके संजय को जो पेन ड्राइव देने वाला था, तो उसका जो डेटा है वो हम हासिल करने का एक तरीका है सर। पेन ड्राइव तो मिला नहीं ना, तो फिर डेटा कहाँ से लाओगे? सर है ना एक तरीका है, वो हम हाँ बोल सर उनके हाँ सर। सर अभिजीत सर की तबीयत अभी भी ठीक नहीं लग रही है। क्यों सर, उन्हें केस के बारे में समझा रहे थे लेकिन वो हमारी तरफ सुन ही नहीं रहे थे सर, अपने में ही कहीं गुम थे। रेडी सर, मंदिरा केस के बारे में सारी डिटेल्स निकालनी है, न्यूज़पेपर्स पे, टीवी पे जो भी आया है सब। घर में घुसने का एक ही रास्ता है, मेन गेट, और चाबी डीके और उसके घर के मेट के पास रहती है। बाथरूम की खिड़की, मतलब कातिल ने बाथरूम की खिड़की का कांच निकाला और अंदर घुसा, और उसके बाद अभिजीत क्राइम सीन पर था भी नहीं, और यहाँ पे तो बाथरूम का कोई फोटो भी नहीं है, तो फिर इससे ये सब कैसे पता? अभिजीत मुझसे कुछ छुपा रहा है, मगर क्या?
डीके के कंप्यूटर से जो डेटा डिलीट हुआ है वो उसके ऑनलाइन अकाउंट से निकाला जा सकता है। बस एक बार ये पासवर्ड मैच हो जाए। कुछ दिनों से थोड़ी थोड़ी गड़बड़ चल रही है सर, पर अब ठीक है। आई एम बेटर नाउ। सर उन्हें केस के बारे में समझा रहे थे लेकिन वो हमारी तरफ सुन ही नहीं रहे थे सर, अपने में ही कहीं गुम थे। यस सर, सर पासवर्ड मैच हो गया। सर इसमें तो वीडियोस हैं, चेक करते हैं। सर ये तो डीके के कंपाउंड के अंदर की फुटेज है। इसका मतलब वहां पे सीसीटीवी कैमरा है? है नहीं, था। हमारे पहुंचने से पहले किसी ने निकाल लिया। पर निकाला किसने होगा? दूसरा वीडियो देखना। कैसे हो सब? आपने अच्छी तरह से क्रॉस चेक तो कर लिया ना? मतलब गन तो हमारे पास है नहीं, तो कहीं कोई गलती नहीं? दर कोई गलती नहीं, मैंने एक बार नहीं 10 बार क्रॉस चेक किया है। मानता हूं कि गन हमारे पास नहीं है लेकिन गन के रिकॉर्ड्स तो हमारे पास हैं। वो गोलियां जिससे डीके की मौत हुई है वो गोलियां उसकी ही गन से चली है। गोलियां, गोलियों का पैटर्न, गोलियों पर लगे हुए निशान, सब ये बात साबित करते हैं कि वो अभिजीत की गन है। सर, सर गोली अभिजीत की गन से चली है लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि उसी ने गोली चलाई है। एग्जैक्टली सर, इसलिए मैंने ये बात एसीपी साहब को भी नहीं बताई, सिर्फ आप दोनों को बताई ताकि मैं इस मामले के तय तक जा सकूं। क्या तुमने ये बात एसीपी को नहीं बताई? क्या बताऊं सर, क्या बताऊं एसीपी साहब को? जब मेरा दिल नहीं मान रहा तो मैं उनको क्या बताऊं? अगर ये बात तुम्हारा दिल नहीं मान रहा था तो तुमने फोन करके क्यों मुझसे पूछा कि जिस गन की गोलियों से डीके की मौत हुई है वो गन अभिजीत की है या नहीं? वो क्या था जिसकी वजह से तुम्हें अभिजीत पर शक हुआ? क्या था वो? इसलिए सर क्योंकि जब हमने, जरा पीछे ले जाना, अभिजीत डीके के घर में। पर दया फिर भी तुम अभिजीत को बचाने की कोशिश कर रहे हो। देखो दया, अभिजीत और तुम्हारी दोस्ती को मैं बहुत अच्छी तरह से मानता हूं, उसका आदर भी करता हूं, लेकिन लेकिन ड्यूटी, अपना फर्ज किसी भी रिश्ते, किसी भी दोस्ती से ज्यादा बड़ा होता है और ये बात मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। सर बिना ठोस सबूत के अभिजीत सर पे शक करना? ये सबूत नहीं था तो क्या था पूरी? अभिजीत डीके के घर में घुसा, ये सबूत नहीं तो क्या है पूरी? अभिजीत सर डीके के घर में घुसा ये हमने देखा लेकिन उन्होंने डीके का खून किया ये तो नहीं देखा ना। सर ये भी तो हो सकता है कि उनकी गन से डीके को किसी और ने मारा हो सकता है। ये हो सकता है कि अभिजीत की गन से डीके को किसी और ने मारा हो लेकिन ऐसी हालत में अभिजीत की गन अभिजीत के पास नहीं होनी चाहिए। क्या तुम लोगों को अभिजीत ने बताया? उसने बताया कि उसकी गन गुम हो चुकी है, कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई उसने? वो सवेरे से तुम लोगों के साथ है। क्या उसने बताया कि वो ऐसे अजीब से कपड़े पहन करके डीके के घर में क्यों घुसा और वो भी बाथरूम का शीशा तोड़? बताया उसने? बताया? सर आपके सारे सवालों का जवाब मैं अभिजीत से पूछ लूंगा, पर सर तब तक के लिए प्लीज सर तब तक के लिए एसीपी साहब को कुछ मत बताना। मैं तुम लोगों की हालत को समझ रखा, मुझे खुद भी अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज सर, प्लीज।
ठीक, कल सुबह तक। दया, मैं कल सुबह तक का टाइम तुमको देता हूं। या तो सच का पता लगा लो, या फिर ये सारी की सारी बात खुद एसीपी को बता दो। अगर तुमने एसीपी को ये बात नहीं बताई तो फिर मैं खुद प्रद्युमन को ये सारी की सारी बातें बताऊंगा। आधा घंटे से ऊपर हो गया, 10 का 10:30 बज गया, अभी तक आया ही नहीं। पूरी रात यहाँ लगता है इंतजार करवाएगा। तुझे इसी का पीछा करना है। ये कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या करता है, सब कुछ रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। ये अभिजीत है, इसको क्या हुआ? ये हुलिया क्या बना रखा है इसने? सर, दिल्ली से सब लोग आ गए हैं। मंदिरा मैम, अमारा मंदिरा के देवर की बहू, कायरा मंदिरा की सौतेली बेटी, सबीर मंदिरा का बहनोई, शिखर मंदिरा के देवर का बेटा। आइए मैम, ये एसआईडी की टीम, एसीपी साहब। अच्छा हुआ आप लोग आ गए। डीके के कातिल का पता चला? अरे आपको तो मालूम होगा कि हमारा मशहूर एनुअल इवेंट 30 दिसंबर को होने वाला है। आई होप कि आपने मेरी सिक्योरिटी की सारे बंदोबस्त करा दिए हैं। देखिए मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन मैं कोई चांस नहीं लेना चाहती। एक्चुअली ये इवेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन अपनी जान से ज़्यादा नहीं। क्या आपको पूरा यकीन है कि आप मेरी हिफाजत कर पाएंगे? और डीके के केस में क्या प्रोग्रेस हुई, उसकी तहकीकात कहाँ तक पहुँची? वो सब जानने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है मंदिरा जी। रही बात आपकी सुरक्षा की, वो हमारी जिम्मेदारी है। हाउ इंटरेस्टिंग। भाभी जी, आपको डर लग रहा है मंदिरा जी को? भाई जिसका कानून भी आज तक कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो मानना पड़ेगा उस इंसान को जिसने आपको डरा दिया। शायद उसे पता नहीं होगा ना इनके बारे में कि ये क्या क्या कर सकती है। क्या आपको भी लगता है कि मैंने अपने पति और बाकी लोगों को मारा है? देखिए मंदिरा जी, आप पर जो भी आरोप है उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। कोर्ट ने आपको बरी कर दिया है और हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। आप सिर्फ इतना बताइए, आपको किस पे शक है? कौन है वो जो आपको मारना चाहता है? शक
जी हाँ शक। नहीं, नहीं नहीं नहीं, मुझे शक किसी पर भी नहीं है, बल्कि मुझे पूरा यकीन है कि मेरे मरने के बाद ये सब बहुत खुश होंगे और मुझे मारने की साजिश में भी इनमें से किसी एक का हाथ है। एंड आई एम वेरी श्योर कि ईशाना की आत्महत्या में इनमें से किसी एक का हाथ है। अब आप ही बताइए, इतने प्यारे अच्छे रिश्तेदारों के होते हुए मुझे दुश्मन की क्या जरूरत है? मॉम प्लीज, आप फिर से अपना ये इमोशनल ड्रामा शुरू मत कीजिए। यहाँ ऐसा कोई क्रिमिनल नहीं है जो आपको मारना चाहेगा। राइट। खुद को बेगुनाह और बाकी सबको विलन समझना, ये तो भाभी की पुरानी आदत है। आई स्वेयर मैडम, मुझे तो इस कहानी पे यकीन ही नहीं है। कौन मारना चाहता है तुमको और किसने धमकियां दी हैं? कहां है वो धमकी भरे खत? हाँ मंदिरा जी, कहां है वो खत? वो मुझे याद नहीं, मैंने फेंक दिए। सी, आई न्यू कि आप यही बोलोगे। सो कन्वीनियंट। बस हो गया, आप लोग एक दूसरे पर कीचड़ उछलना बंद कर दीजिए। पर एक बात अच्छी तरह से याद रखिए, हमें सब पर शक है, और जब मैं सब पर कहता हूं उसका मतलब है आप सब पर शक है, आप सब पर। और एक बात, हमारी परमिशन के बगैर आप ये शहर छोड़ नहीं सकते। कोई भी शहर छोड़कर नहीं जाएगा, अगर जरूरत पड़े तो हम आपको दोबारा बुला लेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ये मैं हूं? ये कपड़े पहन के घूम रहा था, से कपड़े तो रोज सुबह मेरे वॉशिंग मशीन में धुल रहे होते हैं। ये जूते यार, ये जूते गंदे रहते जैसे मैंने इन्हें पहना हूं, लेकिन मुझे याद नहीं मैं ये कपड़े कब पहनता। सच में मुझे क्या हो रहा है मेरे साथ? ये कार में कौन है? ये किससे बात कर रहा हूं मैं? कौन है कार में? नहीं, मैंने नहीं देखा। तुम बात कर रहे थे, तुम्हें पता होगा। और तुम कल तो मुझे पहचाने। अबे ए, 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 ए। चांद के छल्ले, तुझे सुसाइड करना है तो किसी बड़ी गाड़ी के नीचे जाना, खाली फोकट मेरे सामने क्यों आ रहा है? तो तू कैसे बात कर रहा है और ये क्या बन के घूम रहा है तू? ये अपुन का स्टाइल है, टोनी का स्टाइल। तू कौन? मैं कौन? मुझे नहीं पहचानता है? और ये टोनी कौन है? अरे टोनी अपुन है, और कौन यार? अभिजीत, देख यार, किसी केस के सिलसिले में तू ऐसा कर रहा होगा तो मुझे बता दे यार, डरा मत भाई। अदरा अदरा, कौन अभिजीत, कौन सा केस? ये तू क्या बोल रहा है ना, मेरे भेजे में कुछ घुस नहीं रहा, समझा? टोनी नाम है मेरा, टोनी, टोनी से पंगा नहीं लेने का, समझा? चलावा आने दे और टोनी को जाने दे। ये अभिजीत अपने आप को टोनी क्यों बोल रहा है? टोनी कौन? कौन टोनी? सच में तेरे को कुछ भी याद नहीं है? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं, सच कह रहा हूं मैं। मतलब तू कार में उन लोगों से बात कर रहा था, उसके बाद तू गेस्ट हाउस के अंदर गया। गेस्ट हाउस? हाँ, फिर थोड़ी देर बाद तू बाहर आया। मैं गेस्ट हाउस के अंदर गया? मैंने अंदर क्या किया है? तूने देखा कुछ किया मैंने? मैं कैसे देख सकता हूँ, मैं तो
बाहर था ना। क्या हो रहा है? मुझे वहां जाना होगा। कहाँ? कौन सा गेस्ट हाउस है ये? खून अभिजीत तुम यहां पे? तुम्हारा फोन ट्रैक करके और यही सवाल मैं तुमसे पूछ रहा हूं अभिजीत, तुम यहां कैसे? नहीं ये मैं बताता हूं दया, यहां पे क्या हुआ? अभिजीत यहां पे क्या हुआ वो तो हमें दिख रहा है, तुम बताओ किसने किया ये? हाँ तुमने इन दोनों को मारा? मैंने अभिजीत मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, तुमने मारा इनको? सर आप अभिजीत सर पे इल्जाम लगाए हैं। सर मुझे इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है पूर्वी, तुम देख नहीं रही हो यहां दो दो लाशें पड़ी हैं खून से लथपथ, और सीआईडी ऑफिसर अभिजीत लाशों के बीच से ये बैज उठा रहा है, या यूं कह लो कि सुराग चुरा रहा है। अभिजीत मैं फिर पूछ रहा हूं तुमसे, मुझे तुम्हारे साथ अपराधियों जैसे बर्ताव करने पे मजबूर मत करो। तो क्या करूं मैंने, क्या बोलूं मैं? अगर मैं बोलूं कि मैंने ये नहीं किया तो मानोगे? अगर मैं कहूं कि मुझे पता नहीं कि मैंने किया है या नहीं? आई नो मैं अनर्गल बोल रहा हूं, लेकिन तुम लोग तो मुझे जानते हो ना। अभिजीत यहां मेरे सामने जो सबूत पड़े हैं उनको देखकर हम कुछ कह नहीं सकते, मुझे अपना फर्ज निभाना होगा। इतनी देर से मैं तुम्हें पूछे जा रहा हूं मगर तुम्हारे पास कोई जवाब तक नहीं है? तुम जानते हो तुम पर कैसा इल्जाम है? कुछ समझ रहे हो तुम? सर वो दयानिक, बस तुमसे यह उम्मीद नहीं थी दया, इतना सब हो गया तुमने मुझे बताया तक नहीं। क्यों नहीं बताया मुझे दया? ये तो सड़क के तूने मुझे बताया वरना पता नहीं। दया मैंने वही किया जो सही था। बताओ मुझे क्या तुमने ये खून किया है? अभिजीत क्या ये खून तुमने किया है? मुझे नहीं पता सर। पता नहीं कैसे? डैमिट पता नहीं कैसे? दिखे के घर में चोरी छुपे तुम घुस रहे थे, उसका सीसीटीवी फुटेज मैंने देखा। उन लाशों के बीचों बीच खड़े थे तो दैन तुम्हें खुद या पकड़ के लाया।
डीके और उन बॉडीगार्ड पे जो गोलियां चली वो तुम्हारी इस गन से चली है, इसी गन से चली है। और तुम कह रहे हो कि तुम्हें कुछ पता नहीं? मेरी आंखों में आंखें डालकर बताओ मुझे, कहो कि तुमने ये खून नहीं किया, कहो कि तुम्हें कुछ पता नहीं है। तुम्हें नहीं पता है सर? मुझे कुछ नहीं पता सर, सॉरी। क्या बताऊं मैं आपको, क्या बोलूं सर, जब मैं खुद नहीं जानता सर कि मैं डीके के घर में क्यों पहुंचा, कैसे ये सारे खून मेरे इस गन से हो रहे हैं, मुझे नहीं पता सर। सर मैं तो डीके को जानता भी नहीं, मैं उन बॉडीगार्ड्स को नहीं जानता, मैं मंदिरा को नहीं जानता, मैं तो अपने आप को भी नहीं जानता सर। मैं क्या करता हूं, कहां जाता हूं, किससे मिलता हूं, मुझे नहीं पता। पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ कुछ तो हो रहा है लेकिन मुझे ठीक से पता नहीं चल रहा है। दिन भर सब कुछ ठीक रहता है, रात को घर जाता हूं, खाना खा के सो जाता हूं, और जैसे ही सुबह उठता हूं तो अजीब से जूते जो मेरे नहीं हैं, पता नहीं कहां से मेरे घर में आ जाते हैं। कपड़े वॉशिंग मशीन में धुल रहे होते हैं, जूतों पे मिट्टी लगी रहती है, ऐसा लगता है कि जैसे मैंने उनका इस्तेमाल किया है लेकिन मुझे पता नहीं चलता। थकान सी रहती है, ऐसा लगता है कि जैसे मैं रात भर जगा हूं लेकिन जग के मैंने क्या किया मुझे नहीं पता। लगता है हर रोज मेरी जिंदगी के 6-8 घंटे गायब हो जाते हैं जिनके बारे में मुझे कुछ पता नहीं। आप कहते हैं कि मैं डीके के घर गया, हो सकता है लेकिन मुझे नहीं पता। मैंने डीके और उन बॉडीगार्ड्स को मारा लेकिन मुझे नहीं पता। मैं मंदिरा को मारने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन मुझे नहीं पता। मैं क्या करता हूं, मैंने क्या किया है, मैं क्या करने वाला हूं, मुझे नहीं पता सर, मुझे नहीं पता। देखो अभिजीत, इस वक्त तुम खुद के लिए और दूसरों के लिए भी खतरनाक हो। मैं तुम्हें खुला नहीं छोड़ सकता, मैं तुम्हें नजर कैद में रख रहा हूं और दया तुम पर नजर रखेगा। एक बात अच्छी तरह से याद रखना, तुम अपने दोस्त पर नहीं बल्कि एक कातिल पर, एक खूनी पर नजर रख रहे हो, एक ऐसा आदमी जिसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। अब से इस केस की तहकीकात मैं खुद करूंगा और तुम अभिजीत को रोकोगे कोई भी जुर्म करने से, अगर उसके लिए तुम्हें अभिजीत पर गोली भी चलानी पड़े तो वो तुम चलाओगे। Is that clear? Yes, sir. हथकड़ी लगा दो यार, सुना ना, मानसिक संतुलन ठीक नहीं है मेरा, कब क्या कर बैठूं कुछ पता नहीं। रोक लो मुझे, इससे पहले मेरे हाथों कोई और गुनाह हो जाए। रोक लो मुझे यार। आपका ऑफिसर, आपका अपना सीआईडी ऑफिसर मेरी जान के पीछे पड़ा है। उसने उन लोगों को भी मार डाला जो मेरी हिफाजत कर रहे थे, और आप बड़ी शान से कह रहे हैं कि डरने की कोई बात नहीं है। वो आपकी नाक के नीचे लोगों का कत्ल कर रहा है और आप अब भी कह रहे हैं कि डरने की कोई बात नहीं है। कमाल है। आप मुझे बताइए कि मैं आप लोगों पर कैसे भरोसा करूं।
आज आपका एक ऑफिसर सीरियल किलर निकला है, कल को कोई दूसरा निकल आएगा। बस मंदिरा जी बस, बहुत बोल गई आप। हमारा इंस्पेक्टर अभिजीत एक ईमानदार और बहादुर सिपाही है, अपने देश की रक्षा के लिए और आम आदमी की सुरक्षा के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकता है, लेकिन एक किलर कभी नहीं बन सकता। हाँ, उस पर इल्जाम जरूर है, तीन तीन खून का इल्जाम है। साबित सिर्फ इतना हुआ है कि अभिजीत का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, उसे कुछ याद नहीं रहता, वो क्या करता है, किससे मिलता है, क्या बोलता है, और उसके बाद में जब नॉर्मल होता है सब कुछ भूल जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई सीरियल किलर है। मैं पूरी यकीन के साथ कहता हूँ, खतरा है आपकी जान को तो वो आपके इन रिश्तेदारों से। एक्सक्यूज मी, सबूत सारे आपके ऑफिसर के खिलाफ मिले हैं और शक आप हम सब पे कर रहे हैं? या, मैं आप सब पर शक कर रहा हूँ। ऑफिसर तो आप ही का है, वो आप तो उसे ही बचाएंगे। वो तीनों खून इंस्पेक्टर अभिजीत की गन से चली हुई गोलियों से हुए, और आपको लगता है कि ये काम हम में से कोई कर सकता है? अरे हमारे पास आपके ऑफिसर की गन कहां से आएगी? शिखर जी, जल्द से जल्द हम पता लगा लेंगे कि इंस्पेक्टर अभिजीत की गन आपके पास कैसे आई। लेकिन मंदिरा जी, एक रिक्वेस्ट है, आपका जो 30 दिसंबर का इवेंट है वो आप कैंसिल मत कीजिए। बहुत अच्छा मौका है खूनी को पकड़ने का, क्योंकि खूनी उस इवेंट में जरूर आएगा। सर सर। हाँ संजय, क्या बात? आप अभिजीत सर के बारे में कुछ कह रहे थे कि उनके जहन में कोई और शख्सियत घुस जाती है, याददाश्त उनकी, मतलब उन्हें रात के कुछ घंटे याद नहीं रहते। हाँ, तो बिल्कुल ऐसा ही, एग्जैक्टली ऐसा ही किसी और के साथ भी हुआ था। किसके साथ? सर, ईशाना। ईशाना? जिस दिन उसने आत्महत्या की उसके कुछ दिन पहले से बिल्कुल ऐसा बर्ताव करने लगी थी वो। क्या? बस अजीब सी हो गई थी वो, खोई खोई रहती थी। जिस दिन आत्महत्या की उसने उसके कुछ दिन पहले से एक अजीब सा रिंगटोन लगा रखा था उसने अपने फोन पर, और फिर उस दिन अचानक से वो रिंगटोन बजने लगा और सर ऐसा लग रहा था कि वो ईशाना नहीं कोई और है। सर अभिजीत सर भी तो दिल्ली से आने के बाद इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। हाँ, ईशाना, अभिजीत, दिल्ली, ये तीनों का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ ना कुछ तो है। कॉफी? अरे पी लो यार, कुछ मिलाया नहीं है। मैं यही हूं और कहीं भागने वाला नहीं। अभिजीत, तुमने हम सबसे ये बात छुपाई क्यों? छुपानी पड़ी यार, क्या करता? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं खुद ही कंफ्यूज हूं, तो मैं उसमें तुम्हें क्यों फंसाऊं यार? इसलिए, और कोई बात नहीं है। मुझ पर भरोसा नहीं रहा या मुझे इस लायक नहीं समझते कि मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? क्या यार, कैसी बात कर रहा है यार, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर कैसी बात है? मुझे तो ये लगने लगा है कि मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। इस वक्त मैं यहाँ बैठ कर जिस आदमी से बात कर रहा हूँ वो अभिजीत है या फिर कोई टोनी। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला, अभिजीत हूं या टोनी, सपने में भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। गन दिखाने की जरूरत नहीं है। बात यह है ही नहीं कि तुम मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकते हो या नहीं, बात यह है कि मैं यहां सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूं और मैं कोई चांस नहीं ले सकता। मैं तो तुम्हें शायद जानता भी नहीं हूं। ठीक है,
जब तुम समझने को तैयार ही नहीं है तो क्या? तो डॉक्टर महेश, हमने आपको सारी बात बता दी, अब आप बताइए आपको क्या लगता है? देखिए, अभी अभी आपने जो कुछ भी मुझे कहा ये अभिजीत और ईशाना के बारे में, उससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि दोनों की कंडीशन एक जैसी है, आर्टिफिशियली इंड्यूस स्प्लिट पर्सनैलिटी। इसे सरल शब्द में मैं आपको समझाऊं तो इसमें पेशेंट के दिमाग में उसके अपने व्यक्तित्व के अलावा एक और व्यक्तित्व को प्लांट किया जाता है जो किसी खास दशा निर्देश आदेश के मुताबिक चलता है, और उसे इस तरह सेट किया जाता है कि वो व्यक्तित्व खास निर्धारित समय पर निर्धारित ट्रिगर मिलने पे उस व्यक्तित्व पे हावी हो जाता है, और जितनी देर ये हावी रहता है वो पुराने व्यक्तित्व के बारे में ना तो कुछ जानता है और ना ही उसे पुराने व्यक्तित्व के बारे में कोई भी चीजें याद रहती है। ये इंसान का दिमाग है। इस दिमाग के दो मुख्य हिस्से हैं, सचेत मस्तिष्क यानी कि कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड जिसमें हम अभी हैं, और अचेत मस्तिष्क यानी कि सेमी कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड जो हम सब सो रहे होते हैं उस वक्त होता है, और कभी कभी जागते हुए भी किसी नशे या किसी दवाई के असर में हमारा अचेत मस्तिष्क एक्टिव होता है। सचेत और अचेत दोनों ही अवस्था में ही दिमाग अलग अलग होते हैं। इस अवस्था में दोनों ही दिमाग जो सोचते हैं, जो बातें, जो यादें, उसे सेव कर लेते हैं। सचेत मस्तिष्क में सेव बातें तो हमें बरसों तक याद रहती हैं, लेकिन चेत मस्तिष्क में सेव की हुई बातें हमें याद नहीं रहती। डॉक्टर महेश, ये कुछ हिप्नोसिस जैसा, सम्मोहन जैसा, जिसमें इंसान के दिमाग को कंट्रोल करके उसे कुछ भी करवाया जा सकता है एक रोबोट की तरह से, और बाद में किसी खास आवाज से उस सम्मोहन को तोड़ दिया जाता है और इंसान को कुछ भी याद नहीं रहता? नहीं 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 डॉक्टर सालुंके, सम्मोहन अलग प्रक्रिया है। सम्मोहन में आप आदमी को तभी तक कंट्रोल में रख सकते हैं जब तक वो सम्मोहित अवस्था में है। सम्मोहित अवस्था से एक बार बाहर निकलने के बाद उसे वापस सम्मोहित करना पड़ता है। ये मुद्दा ही बिल्कुल अलग है। यहां पर इंसान के दिमाग में एक घटना जो बिल्कुल घटी नहीं है, एक व्यक्ति जो है ही नहीं, उसे उस इंसान के अंदर डाला जाता है, उसके दिमाग में ये बात फिट की जाती है। अच्छा, तो इसका मतलब यही सब कुछ तो अभिजीत के साथ हो रहा है। किसी भी तरह से अभिजीत को ट्रिगर मिलता है जिसकी वजह से टोनी जाग जाता है। एग्जैक्टली सर, रात को अभिजीत के सो जाने के बाद उसको जरूर कुछ आवाजें सुनाई देती होगी जो कि उस टोनी के लिए ट्रिगर हो सकती है। वो आवाज सुनते ही टोनी जाग जाता है, लेकिन अभिजीत वही सोया रहता है। टोनी जाग जाता है, वो टोनी जो खूनी है, जो दरिंदा है, जो मुजरिम है, और अभिजीत के जानने वालों में से वो किसी को भी नहीं जानता। अगर ऐसा है तो अभिजीत के अंदर के टोनी को भी किसी भी तरह से कमांड दिया गया है मंदिरा को मारने का। 30 दिसंबर वाले इवेंट में ये टोनी इसे अंजाम देगा, मंदिरा को मारने की कोशिश करेगा। दो दिन बाद 30 दिसंबर अभिजीत कहाँ हो? अभिजीत, अभिजीत, ओए टोनी,
कौन है तू? तू अपन के घर में क्या कर रहे? अभिजीत, टोनी, तुम यहां से बाहर नहीं जा सकते। तुम यहां नजर बंद हो, इस घर के अंदर रहना होगा, समझे? टोनी को अपना काम करने का है। मेरे रास्ते में खाली पी ले आएगा, भेजा उड़ जाएगा। चल अब आने दे। घर से बाहर नहीं, घर में। हाथा हाथा बोलो ना, टोनी को अपना काम करने का है। मेरा भेजा मत हिला। मेरे और काम के रास्ते के बीच में कोई नहीं आ सकता। चल टोनी, तुम कहीं नहीं जाओगे, यही घर पे रहोगे तुम, समझा? क्या बोला? टोनी पे हाथ उठाया तूने? टोनी पे हाथ उठाया? अभिजीत, 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 सर दया, क्या हुआ? क्या हुआ दया? ये लोग बोल रहे हैं कि मैंने नहीं। अभिजीत, तुम अंदर नहीं जा सकते। तुमने दया की जान ले ली है, मैं तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूं। ईशाना के फोन रिकॉर्ड्स में डॉक्टर तानिया का नाम कई बार है। आप में से कोई जानता है डॉक्टर तानिया को? आत्महत्या करने से पहले वो डॉक्टर तानिया से मिली थी क्या? ये डॉक्टर तानिया कहीं डेंटिस्ट तो नहीं? ईशाना मरने से पहले कई बार एक डेंटिस्ट से मिली थी। मुझे नाम तो नहीं मालूम, पर हो सकता है ये वही हो। जितना मुझे लगता है ये कोई डेंटिस्ट तो नहीं है। कुछ दिनों पहले सीआईडी ऑफिसर अभिजीत यहाँ रुके थे। यस मैम, उस पूरे हफ्ते में यहाँ जो कोई भी रुका था उन सबकी लिस्ट चाहिए। और उनके स्टे के दौरान इस लॉबी की सीसीटीवी फुटेज भी देखनी है। एक मिनट पॉज कीजिए। ये लड़की कौन है जिससे अभिजीत सर बात कर रहे हैं? पूर्वी, इस लिस्ट में डॉक्टर तानिया का नाम है और वो यहीं पे रुकी हुई थी जब तक अभिजीत सर यहाँ पे थे। शायद ये वही लड़की। क्या नाम है इस लड़की का? मैम डॉक्टर तानिया, हफ्ते भर यहीं थी वो। सर तानिया से तुरंत मिलना होगा। सर तानिया मुंबई के पैराडाइज होटल में रुकी हुई है। क्या मतलब मुझे टिकट नहीं मिल सकता? लोग, मुझे अभी इसी वक्त इंडिया से बाहर जाना है, डू यू अंडरस्टैंड? यस डॉक्टर तानिया जी, आपका? ईशाना, ईशाना की दोस्त सीआईडी ऑफिसर पूर्वी। भागना बड़ा मुश्किल है। कहाँ भाग रही है तानिया जी? क्या क्या चाहते, क्या है आप लोग? अभिजीत के साथ क्या किया तुमने? ईशाना और अभिजीत के दिमाग के साथ मैंने ही एक्सपेरिमेंट किया है। ईशाना को आत्महत्या करने के लिए और अभिजीत को एक मर्डर करने के लिए मैंने ही प्रोग्राम किया था। कैसे कैसे किया तुमने प्रोग्राम? आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड स्प्लिट पर्सनालिटी के जरिए मैंने दोनों के दिमाग को सेट किया और अपने सेट शेड्यूल के मुताबिक दोनों को इस तरह प्लान किया कि एक ट्रिगर बजेगा या एक कॉल आएगा, और जब भी ये कॉल आएगा दोनों को वो सारे ऑर्डर्स मानने होंगे किसी भी हाल पे। वो फोन नंबर जहां से उनको फोन आते, किसका नंबर है ये? वो एक पीसीओ का नंबर है। ईशाना ने मुझे ये नंबर दिया था अभिजीत के दिमाग में फीड करने के लिए। क्या कहा? क्या कहा तुमने? अभिजीत के साथ ऐसा करने के लिए ईशाना ने कहा तुम्हें? जी। और फिर ईशाना की खुदकुशी,
उसका क्या? उसका क्या? वो भी खुद इशाना ने ही कहा था मुझसे करने के लिए। What? जी कहा तो इशाना नहीं था, बट आई एम श्योर कि इसके पीछे जरूर किसी और का हाथ है जिसके बारे में मैं नहीं जानती। क्यों क्यों करेगी ऐसा? वो ये भी उसकी कोई मजबूरी। हमें किसी भी हालत में अभिजीत को इसमें से निकालना होगा। ले चलो इसे। चलो, वो बाहर नहीं आ सकता। क्यों? मैंने अभिजीत के दिमाग को प्रोग्राम किया है, सम्मोहित नहीं कि जाकर उसका सम्मोहन तोड़ दो। मैंने अभिजीत के दिमाग में खूनी को प्लांट किया है, टोनी को। यही है वो आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड पर्सनालिटी जो अब कभी बाहर नहीं निकलेगा, और मैं चाहूं भी तो भी मैं अभिजीत को इससे बाहर नहीं निकाल सकती, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो या तो अभिजीत पागल हो जाएगा या उसकी जान भी जा सकती है। मतलब? मतलब ये कि जब भी ट्रिगर होगा टोनी मंदिरा को मार के रहेगा, और वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो वाकई मंदिरा को मार नहीं देता, और इसके बीच में जो भी आएगा वो भी मरेगा। मंदिरा को मारने का ट्रिगर क्या है? क्या ट्रिगर है अभिजीत के लिए? इशाना के केस में ट्रिगर था एक रिंगटोन, और अभिजीत के केस में ट्रिगर है रिमाइंडर टोन, एक खास तरह का बीप जो मैंने अभिजीत के मोबाइल पे सेट कर दिया था। हम अगर अभिजीत मंदिरा को कैसे मारेगा? क्या प्रोग्राम किया है तुमने, बताओ? वो तब तक मंदिरा को चाकू से मारता रहेगा जब तक कि बहुत सारा खून नहीं बह जाता। और कितने बजे के लिए प्रोग्राम किया ये? 10 बजे। माय गॉड, सिर्फ 2 मिनट बाकी है। गिरफ्तार कर लो इसे। अभी जिंदगी में नहीं सोचा था सर आपके ऊपर मुजरिमों की तरह नजर रखनी पड़ेगी। पंकज डैम इट, फोन उठाओ। हेलो पंकज, कहाँ थे तुम? मोबाइल क्यों नहीं उठा रहे थे? सॉरी सर, मेरा फोन साइलेंट पे था। इधर ही सर, अभिजीत सर के पास। सुनो मेरी बात, अभी के अभी जाके अभिजीत का फोन स्विच ऑफ करो। क्या सर, फोन स्विच ऑफ करो? फोन स्विच ऑफ करो जैसे मैंने कहा वैसे करो, अभी इसी वक्त। अभिजीत सर का फोन सर। पंकज तुम सवाल क्यों कर रहे हो? अभी के अभी जाके फोन बंद करो। देखो बिल्कुल वक्त नहीं है हमारे पास, नहीं तो अभिजीत का टोनी बन सकता है। अभी जाओ जल्दी। अभिजीत सर, अभिजीत सर कहाँ गए? अभिजीत सर, अभिजीत सर, टोनी को बंद करके रखे, टोनी को पकड़ेगा तू, टोनी को। जो भी है टोनी और मंदिरा के बीच में आएगा वो मरेगा। सर यही चैरिटी इवेंट का वेन्यू है। आप लोग रुक जाइए प्लीज।
हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, हर साल की तरह इस साल की जो ये शाम है वो बहुत खास है, क्योंकि ये शाम है मंदिरा ज्वेलर्स के एनुअल चैरिटी इवेंट की, जिसमें जमा की गई सारी राशि दिल्ली और मुंबई के अनाथ आश्रमों और वृद्ध आश्रमों को जाती है। क्या बात है, तालियां बनती है इस बात पे डीकेसी चैरिटी के लिए। हर साल की तरह इस साल भी जो हमारी मुख्य अतिथि है वो और कोई नहीं है बल्कि मिसेज मंदिरा खन्ना है। तो आइए दोस्तों, आप सभी की जोरदार तालियों के बीच हम स्वागत करते हैं मिसेज मंदिरा खन्ना का। मिसेज मंदिरा खन्ना, अभिजीत ठीक है सर? जल्दी जाओ फिर लेकर, जल्दी आओ। दरवाजा खोलो। मंदिरा जी, तूने ने अपना मिशन पूरा किया मंदिरा जी को मारने का। वैसे हम पर भरोसा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। ये आप लोग मुझे यहाँ क्यों लाए? मुझे तो स्टेज पे होना चाहिए ना। मैडम, हमारा एक प्लान है। प्लान? पूर्वी, लाइट ऑफ। मंदिरा जी, आपकी हिम्मत की विदात देनी पड़ेगी। थैंक यू मॉम। मॉम अब ठीक हो ना? ये सब क्या है? आप लोग हमें ग्रीन रूम में लॉक करके क्या हासिल करना चाहते थे? आखिर खूनी तो कोई और ही निकला ना। सर, आपने ये सब मॉम की जान को खतरे में डाल कर किया। अगर सचमुच मॉम को कुछ हो जाता तो? ये तो वाकई बहुत बड़ा रिस्क था सर, बट आई होप अब खतरा टल गया। खतरा अभी तक टला नहीं है, क्योंकि इस खेल का असली मास्टरमाइंड अभी तक पकड़ा नहीं गया। कहानी अभी बाकी है।
क्या हुआ? मुझे देख के अच्छा नहीं लगा। कभी कभी कातिल तक पहुंचने के लिए हमें मरना भी पड़ता है। इसका मतलब इनके खून की खबर नाटक थी? मेरी मौत से कातिल बड़ा खुश था कि वो कामयाब हो गया और उसी समय का हमने फायदा उठाया। हम मंदिरा जी को बचाने में लगे हुए थे और दया मास्टरमाइंड के पीछे लगा था। लेकिन असली मास्टरमाइंड है कौन? पकड़ो उसे। करने वालों को रास्ता हमेशा कम पड़ता है। तुम ये सोच रही हो कि हमें कैसे पता चला कि खून तुमने किया? हमें ये तो पता था कि ये मास्टरमाइंड मंदिरा जी के अपने में से कोई है, इसलिए मेरी मौत के बाद सबसे पहले हमने ये पता किया कि आप में से वो कौन है जो अभिजीत को जानता था या फिर उससे मिला था। फिर मुझे याद आया कि क्राइम ब्रांच के सेमिनार के लिए अभिजीत दिल्ली गया हुआ था। उस सेमिनार में आने वाले लोगों की लिस्ट देखी मैंने तो मेरा ध्यान कायरा पे गया। क्रिमिनल साइकोलॉजी की स्टूडेंट कायरा। जब हमने डॉक्टर तानिया से पूछताछ की तो पता चला कि ईशाना ने उससे कहा था ये सब करने के लिए। उस वक्त ईशाना की माँ सरकारी अस्पताल में एडमिट थी। उसके तुरंत बाद ईशाना की माँ को सेवन स्टार हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और उसका सारा खर्चा मिस कायरा ने उठाया था। और सबसे बड़ा क्लू वो पीसीओ जिससे अभिजीत सर को फोन पे ऑर्डर्स मिलते थे। दया सर ने उस पर नजर रखी और वहां पर भी तुम दिखे। ओके फाइन, आई गिव अप। मान गई कि आप लोग बहुत स्मार्ट हैं, लेकिन सर इस बात से तो आप भी अग्री करोगे ना कि मैं भी बहुत स्मार्ट हूं? हाँ, स्मार्ट तो हो तुम। क्रिमिनल साइकोलॉजी की होशियार स्टूडेंट जो अपने सौतेली मां से अपने पूरे परिवार का खून का बदला लेना चाहती थी। लोगों के दिमाग से खेलना, उन्हें अपने चक्कर में फंसाना, ये इनकी खासियत है। तो मुझे लगा कि क्यों ना इन्हें की तरीके से मार दिया जाए। इसीलिए मैं ईशाना से मिली और फिर डॉक्टर तान्या से मदद ली। शी वॉज मैड, शी वॉन्टेड टू डू एन एक्सपेरिमेंट। फिर मैंने ईशाना को बहुत समझाया। कई बार समझाने के बाद शी वॉज रेडी, उसने वो एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर लिया। लेकिन somehow I was never convinced. मुझे हमेशा कंफ्यूजन रहता था कि वो नहीं कर पाएगी एक्सपेरिमेंट। फिर उसी दौरान मैं दिल्ली में अभिजीत से मिली और उनसे मिलने के बाद मुझे लगा कि इतने सच्चे और ईमानदार पुलिस ऑफिसर के होते हुए ये एक्सपेरिमेंट कोई और क्यों करे। फिर मैंने और डॉक्टर तान्या ने अभिजीत को मोहरा बनाया और अपना एक्सपेरिमेंट उन पर किया।
और ईशाना हमारे किसी काम की नहीं थी, इसलिए हमने उसे अपने रास्ते से हटा दिया। देखियो रोज़ दो बॉडीगार्ड, उन्होंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा, उन्हें क्यों मरवाया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि सारा इल्जाम अभिजीत पर आ जाए और अभिजीत की बुलेट्स और गन्स हासिल करने के लिए टोनी था ना उसके दिमाग में। फैदर, तुम इतनी खतरनाक हो सकती हो कायरा, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। अब पता चल गया ना, तुमने मेरे माँ बाप के साथ, मेरी फैमिली के साथ जो भी किया है, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं ये प्रूव करना चाहती थी कि इस दुनिया में किसी के भी दिमाग के साथ खेला जा सकता है, चाहे वो सीआईडी ऑफिसर ही क्यों ना हो। कायरा, बदले की आग में तुमने एक बहादुर सीआईडी ऑफिसर की जान के साथ खेला है, और तो और, चार माह तुम लोगों की जाने भी ली। ठीक है, ईशाना और मंदिरा जी के दो बॉडीगार्ड, बहुत गलत किया तुमने। कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, तुम्हें तो फांसी होगी, फांसी। सर आप प्लीज ये सब याद मत करिए, एक बुरा सपना समझकर भूल जाइए। बुरा क्या नाम ना? बस मैं भूल सकूं कि चलो केस तो सॉल्व हो गया। हाँ, केस तो सॉल्व हो गया, लेकिन लेकिन क्या? बस अभिजीत के दिमाग में जो टोनी को प्लांट किया गया था वो मकसद पूरा हो गया। अब उसे कोई ट्रिगर्स नहीं आएंगे, कोई कारा की आवाज सुनाई नहीं देगी, जिसकी वजह से अभिजीत टोनी बन जाता था। हाँ, लेकिन बॉस। लेकिन क्या बॉस? बात यह है कि टोनी अभिजीत के दिमाग में से कभी नहीं जाएगा। क्या? टोनी अभिजीत की पर्सनैलिटी का हिस्सा बन गया है बॉस। कोई नहीं जानता वो कब, कैसे, कहां सामने आ जाएगा। मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।